हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज हम बहुत आसान तरीके से जो है डबल फंदे बनाना सीखेंगे, वन बाय वन रिप के, एक सीधा एक उल्टा के डबल फंदे। बहुत ही आसान बिना झंझट वाले फंदे हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी मोटी वूल ली है ताकि आपको आराम से समझ में आ सके, और 10 नंबर सिलाई ली है, 10 नंबर नीडल्स। और इस पैटर्न के लिए एक तो हमने सिंगल धागे से फंदे कास्ट ऑन करने हैं, और हमने जो है आधे फंदे कास्ट ऑन करने हैं। जैसे आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए अगर 50 फंदे चाहिए तो 25 फंदे, 20 चाहिए तो 10 फंदे। कास्ट ऑन हाफ ऑफ द स्टिचेस एज रिक्वायर्ड फॉर योर पैटर्न, एंड ऑल्सो यूज ओनली सिंगल स्ट्रैंड ऑफ यार्न। तो सिंगल धागे से देखिए, मान लीजिए अभी हमने 20 फंदे बनाने हैं तो हम 10 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। कास्ट ऑन 10 स्टिचेस फॉर 20। तो ऐसे हम सिंगल धागे से, या जो तरीका आपको ठीक लगे, थोड़े से आपको लूज रखना है फंदों को। कास्ट ऑन लूजली 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये देखिए, तो हमने ये 10 फंदे कास्ट ऑन कर लिए। अब इस तरफ से हम इन फंदों को पहले उल्टा बुन लेंगे। फर्स्ट रो में पर्ल ऑल द स्टिचेस इन रो 1, तो ये सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। कि जैसे आप फंदे कास्ट ऑन करते हैं, तो अगर ये सीधी साइड आती है तो आपने इसको सीधा बुन लेना है। मैंने जिस तरह से कास्ट ऑन किए तो ये उल्टी साइड आई, तो मैंने इन्हें उल्टा बुन लिया। ये सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। अब अगर आपकी सीधी साइड थी तो आपने 4 सिलाई बुननी है, एक सीधी और एक उल्टी। अब इस तरफ से हम इन फंदों को सीधा बुन लेंगे, निट ऑल फ्रॉम दिस साइड। तो ये सारे फंदे हम इस तरफ से सीधे बुन लेंगे। फिर अगली सिलाई में फिर से हम इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे, पर्ल ऑल फ्रॉम रॉन्ग साइड। अगर आप जो है एक सीधी बुन चुके हैं तो आपको 4 सिलाइयाँ बुननी है। फिफ्थ रो आपकी जब सीधी आएगी, वहाँ तक आपने इन सिलाइयों को ऐसे ही बुनते जाना है, उल्टी तरफ से उल्टे, सीधी तरफ से सीधे। ये देखिए, अब फिर 2 सिलाई हम सीधी उल्टी की बुन लेंगे ताकि आराम से हम इन फंदों को उठा सकें। तो ये 2 सिलाई हम बुन लेते हैं, निट ऑल एंड पर्ल फ्रॉम द रॉन्ग साइड। तो देखिए, हमारी ये 4 रोज भी बन सकती हैं, 5 रोज भी बन सकती हैं, 4 या 5 सिलाइयाँ बनेंगी, लेकिन उसके बाद हमारी राइट साइड जो है वो सीधी इस तरफ को आनी चाहिए, हमारी तरफ को आनी चाहिए। अब देखिए, हमने इस रो में इन फंदों को डबल कैसे करना है। पहले फंदे को सीधा बुनेंगे। अब हमने ये जो हमारी बॉटम रो का फंदा है, इसे हम यहाँ से उठाएंगे, यूं ऐसे उठाया, इसे आगे लेकर आएंगे और उल्टा बुन देंगे। पर्ल दिस स्टिच फ्रॉम बॉटम रो, धागा आगे लाना नहीं भूलिएगा, इसे उल्टा बुना। अब धागा पीछे ले जाएंगे और फिर इस फंदे को जो हमारे नीडल पर है, इसे सीधा बुन देंगे। निट द स्टिचेस ऑन द नीडल एंड पर्ल द स्टिचेस फ्रॉम बॉटम रो। अब लेकिन कोई फंदा स्लिप नहीं होना चाहिए, स्किप ना करें कोई भी फंदा। ये देखिए, अब ये फंदा उठाया, धागा आगे लाए, इसे उल्टा बुन दिया, फिर धागा पीछे ले गए, इस फंदे को सीधा बुन दिया। फिर यहाँ से ये, इसे आप इस तरह से भी उठा सकते हैं, देखिएगा ऐसे, तो ये और आसान रहेगा आपको उठाने में। देखिए, अब ये वाला फंदा बचा है, इसे उठाएंगे, फिर टर्न कर लेंगे और इसे उल्टा बुन लेंगे, ऐसे ये बैक लूप से उल्टा बुना जाएगा। अब एक फंदा सीधा ऐसे, फिर ऐसे टर्न कर लेंगे। टर्न करने से आपका कोई फंदा जो है वो स्किप नहीं हो पाएगा। ये देखिए, अब ये फंदा उठना है, इसे उठा लेंगे और इसे उल्टा बुन लेंगे ऐसे, फिर एक फंदा सीधा जो सिलाई पे है उसे सीधा बुन लेंगे, फिर से ऐसे ये फंदा उठाया, टर्न किया। ये बहुत आसान तरीका है, इसमें आपको फंदों को जो है किसी और सिलाई पे नहीं उतारना पड़ता है, या और जो है
क्योंकि जब ये ज़्यादा होते हैं फंदे तो आपको इनको मैनेज करना थोड़ा सा ऐसे मुश्किल हो जाता है। अब ये फंदा उठाया, टर्न किया, धागा आगे लाए और इसे उल्टा बुन दिया। तो ऐसे हमने इन फंदों को डबल कर लिया है। ये देखिए, फिर से यहाँ से उठाया, ये फिर ऐसे पलटा और इसे उल्टा बुन लिया बैक लूप से, फिर एक सीधा, फिर ऐसे उठाएंगे, टर्न करेंगे और उल्टा बुन देंगे, फिर सीधा। अब फ्रेंड्स, अगर आपको और नंबर में फंदे चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा हम नेक वगैरह बनाते हैं या एक वन बाय वन जो भी हम बॉर्डर बनाते हैं, तो पहला और लास्ट फंदा हम सीधा बुनना पसंद करते हैं, तो उसके लिए हमने ये उल्टा फंदा उठाने के बाद ये सीधा फंदा बुन लेना है। लेकिन अगर आपको इवन नंबर में चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो फंदे हैं 19 बने हैं, तो हम यहाँ से एक और फंदा उठाएंगे एच में से और इसे उल्टा बुन लेंगे, तो ये 20 हो जाएंगे ऐसे, तो लास्ट फंदा हमारा उल्टा आएगा। और अगर इसे नहीं उठाते हैं तो हमारा पहला फंदा भी सीधा आएगा और लास्ट भी सीधा आएगा, तो आप चाहें तो इसे उठा भी सकते हैं और नहीं भी ऐसे। अब इसके बाद हमने जितना आपको बॉर्डर बनाना है उस हिसाब से हमने इन फंदों को बुन लेना है। पहला ये देखिए, ये फंदा सीधा दिख रहा है, इसे सीधा बुनेंगे, ये उल्टा दिख रहा है, इसे उल्टा बुनेंगे। तो हमारे ये 20 फंदे जो है वो पूरे हो गए हैं। वी हैव 20 स्टिचेस ऑन अ नीडल, कंटिन्यू वर्किंग वन बाय वन रिप। तो जितनी आपको इसकी लेंथ चाहिए बॉर्डर की, उतनी आप ये अब एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए बनाते जाइएगा। ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पे 61 फंदों के लिए बनाया है। 61 स्टिचेस चाहिए थे मुझे, तो मैंने यहाँ पे 31 स्टिचेस कास्टन किए। 61 फंदों के लिए मैंने 31 फंदे कास्टन किए, और वैसे तो ये 62 फंदे बनने थे, लेकिन मैंने लास्ट का एक फंदा उल्टा नहीं उठाया, क्योंकि मुझे पहला और आखिरी फंदा सीधा चाहिए था। तो अभी हमारे पास ये 61 है। वी हैड कास्टेड 31 स्टिचेस एंड वी हैव 61 ऑन आर नीडल नाउ। और इसका देखिए, ये वन बाय वन रिप से हम इस तरह से बॉर्डर अब बना सकते हैं। मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए इतने ही बॉर्डर बनाना है, क्योंकि हम बच्चे का कार्डिगन बनाएंगे इससे, बहुत ही प्यारा सा। तो अगर आपको सीखना है तो जुड़े रहिए चैनल से। और ये देखिए, नेक्स्ट वीडियो में तो पहले हम ये बेबी बूटीज बनाना सीखेंगे, जो कि फ्रिंज बूटी। ये मैंने फ्रिंजेस आपको पहले भी बॉर्डर में बनाना बताए हैं, तो अब हम इनको इन बूटीज पे यूज़ करते हुए बनाएंगे। अगर आपको ये फ्रिंजेस नहीं बनाने हैं तो आप सिंपल बूटीज भी बना सकते हैं, उसमें आपको सिर्फ यहाँ पे सीधा सीधा ही बुनना होगा। तो मिलते हैं फिर इस वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो में हम ये बूटीज बनाएंगे। तब तक जुड़े रहिए चैनल से। टेक केयर, बाय बाय।